कोविड सिचुएशन काफ़ी ग्रिम है और बहुत सारे लोग रोज़ाना बीमार हो रहे हैं और बहुतों की डेथ हो रही है। इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और इस वीकेंड कर्फ्यू होगा, सारे एसेंशियल मूवमेंट को छोड़ करके बाकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस बहुत सख्ती से इस चीज़ को इन्फोर्स करेगी और हमारे पुलिस पर्सनल पूरे दिल्ली में पिकेट्स और पेट्रोलिंग लगा रहेगा। कोई भी आदमी अपने घर से निकलेगा, किसी न किसी पिकेट या पेट्रोलिंग पार्टी से उसका मुकाबला होगा और उस समय जब तक वो ये नहीं साबित कर देता कि वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए या एसेंशियल गुड्स के लिए वो जा रहा है, तब तक उसको जाने नहीं दिया जाएगा और ऐसे में वायलेशन के लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, केस भी रजिस्टर किया जाएगा। एसेंशियल चीजें हैं वो चलना चाहिए, हॉस्पिटल्स को फंक्शन करना होगा, जो फूड ग्रेन्स हैं, सब्जियां हैं, दूध है, वो सबको मिलना है। हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, ये जीवन को चलाने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, तो ये तो चलेंगे। लेकिन अगर कोई चाहे कि इसका बहाना बना करके और वो वायलेशंस करे तो ऐसा संभव नहीं होगा। अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है तो उस चीज को, बात को समझा जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल जा रहा है, वो आई कार्ड के बेसिस पे वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। कोई अगर मान लो सब्जी वाला सब्जी लेके जा रहा है बेचने के लिए, या अगर सब्जी की दुकान लगाए हुए है वो दिख रहा है वो, तो उस बेसिस पे बिना पास पे के भी वो अलाउ किया जा सकता, किया जाएगा। तो जैसे स्थिति है, नहीं तो बहुत सारे चीजों के लिए आपको ई पासेस की आवश्यकता है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों ई पासेस इशू। ये जो हमारी स्थिति हुई है, कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी गलती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है सबको मालूम है, पिछले एक साल से हम इस चीज को देखते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हुई है तो उसमें जनता की भी गलती है। तो हम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको पूर्णतया माने, ना जोर में नहीं बल्कि स्वेच्छा से। इस कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग रिलीजियस पर्पज से घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है? देखिए, फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि जो DDMA दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स हुए हैं, जो आखिरी ऑर्डर है वो 15 अप्रैल को इशू हुआ था, इससे पहले 10 अप्रैल को इशू हुआ है। रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो पब्लिक गैदरिंग होती है उसके लिए भी पहले ऑर्डर इशू हो गया। तो हमारा दरखास्त है सभी से कि DDMA के वेबसाइट पे जाकर के ये सारे रिस्ट्रिक्शंस, इसको हर एक कोई इसको अच्छी तरह से पढ़ ले और उस हिसाब से मूवमेंट करें। इसमें सबसे बड़ी जो परहेज है या जिससे हम स्प्रेड को रोक सकते हैं वो है आइसोलेशन। अगर हर एक व्यक्ति अपने को आइसोलेट करके रख ले तो ये स्प्रेड नहीं होगा। तो सभी से यही निवेदन है कि अपने को कम से कम अपनी मूवमेंट रखें, अनावश्यक मूवमेंट ना रखें, कोई भी पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं, कोई भी ऐसी सोशल गैदरिंग ना करें, और अगर सभी का सहयोग रहा तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम जो कोविड सिचुएशन जो खराब हुई है इसमें सुधार आएगा और फिर से खुशहाली बहाल होगी।